देश में ड्राई रन पूरा हो चुका है, देश को वैक्सीन भी मिल गई है, लेकिन हर कोई एक सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या वैक्सीन फ्री में लगेगी या पैसे देने होंगे। इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से दिया गया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने के बाद चेहरे पर हर्ष का भाव लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री से जब वैक्सीन का भाव पूछा गया तो उनका जवाब सुनी। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगी। सर, फ्री वैक्सीन की खुशखबरी सुनकर देश में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने तो फ्री वैक्सीन के लिए सरकार का धन्यवाद भी शुरू कर दिया। मोदी साहब जी के बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर मीन्स हमी एक हॉस्पिटल एम्प्लॉयज को पहले चुना। जिसको एक व्यक्ति को जिसके घर में हो जा रहा है उसको पूरी पूरी फैमिली उसकी इफेक्ट हुई हो रही है, तो ये वैक्सीन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो है लगने के बाद जो राहत मिलेगी। पूरी पूरी फैमिली ऐसे मतलब थी जिनको बहुत ही मतलब यहाँ तक कि रोना आ रहा था उनके लिए। मतलब जब ये वैक्सीन हम दे देंगे तो उनकी मतलब खुशहाल जीवन है, उनको लगेगा कि हम अब मतलब सेफ हो गए। लोग फ्री वैक्सीन की खुशी मना ही रहे थे कि फ्री वैक्सीन की बात अफवाह साबित हो गई, जिसकी रियलिटी भी खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ही बताई लेकिन ट्विटर के जरिए। तो रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीन फ्री में लगेगी। पहले फेज में बाकी 27 करोड़ आम जनता को वैक्सीन फ्री में देनी है या नहीं ये सरकार जुलाई में तय करेगी। यानी सबको मुफ्त में वैक्सीन देने के ऐलान का खंडन भी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया, जिन्होंने आज ही लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील भी की है। मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देश तो वैक्सीन के लिए कब से तैयार बैठा है, अब वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन देश को ना तो ये पता है कि वैक्सीन फ्री में होगी या नहीं और अगर फ्री नहीं होगी तो कितने की होगी। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी, उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती है। यानी अगर केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन नहीं दी जाती तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पैसों में खरीद कर लोगों को वैक्सीन फ्री में दे सकती है, जैसा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है। चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी जोर से या ये सरकार की ओर से होगी? देखिए, दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। दिल्ली के लोग चाहें तो फ्री वैक्सीन के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को अभी इंतजार करना होगा क्योंकि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी अभी वैक्सीन की कीमत को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। जहां हमने कोरोना की लड़ाई बहुत सुचारू रूप से लड़ी और उसी तरह अब हम वैक्सीन की भी पूरी तैयारी में, हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो गई है। कोल्ड चेन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एंड पॉइंट तक नियत टेम्परेचर पर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके। में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इसका इंतजाम भारत सरकार क्या करेगी? रहा सवाल, हमने जो कोल्ड स्टोरेज है वो तैयार कर लिए, हमने जो कोल्ड चेन है वो तैयार कर ली, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो राजस्थान में हमने विकसित कर ली। जहां तक वैक्सीन के दाम की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से ये पता चला है कि पहला और दूसरे जो फेज में कोई इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे जैसे निर्णय केंद्र सरकार का आता है हम लोग उसी का पालन करेंगे। 5 करोड़ वैक्सीन रेडी है ऐसी हम लोगों को जानकारी थी, तो उनकी सप्लाई जैसी राज्यों में उपलब्ध हो जाएगी तो वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। 14 तारीख भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है, कोई निश्चित तिथि नहीं। तो अगर वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी तो कितने रुपए में मिलेगी, इसका जवाब सीरम इंस्टीट्यूट से बेहतर और कौन दे सकता है जिसने कोविशील्ड तैयार की है, जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक
भारत सरकार को कोविशील्ड की दो डोज 400 रुपए की पड़ेगी। आम जनता को इस वैक्सीन की दो डोज के लिए 2000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आज तक ने पुणे में कोविशील्ड की लैब का दौरा किया था। इसी दौरान सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पुनावाला ने वैक्सीन की कीमत बताई थी। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपए में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपए में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपए एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपए मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपए मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपए हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी। मतलब अगर सरकार ने फ्री वैक्सीन का फैसला किया तो ठीक, वरना ओपन मार्केट में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन के लिए आपको 2000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की बड़ी जनसंख्या के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। दिल्ली से पंकज जैन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।